गुरु सेलेबस की हाल चाल सारे जानता हूँ। बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हुई है, अपडेट्स भी नहीं हुई है। मैं सोच रहा था कि भाई कुछ कंफर्मेशन आए तभी मैं वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। अभी तो ऐसी न्यूज़ें मतलब कंफर्म भी नहीं बोल सकते उन्हें, लेकिन आ रही है, मतलब ऐसे साइंस आ रहे हैं ना कि भाई हाँ हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ। हाँ तो भाई ट्विटर पर अभी राड़ा ऑन चल रहा है। किसी ट्रूप्स की एक मेम्बर ने, जो कि वो फेक भी नहीं है, उसके काफ़ी ऐसे 2-3 हज़ार तो फॉलोअर होंगे ही होंगे, उसने एक घटिया सा ट्वीट कर दिया है केके के बारे में, उसकी माँ के बारे में, जिसकी वजह से राड़ा ऑन हो चुका है। उससे पहले भी एक राड़ा हुआ था कि भैया जो एडी है, आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ, उसकी मैनेजर ने कुछ गंदा सा ट्वीट, मतलब हेट नेगेटिव ट्वीट को रिट्वीट किया था, उसकी वजह से भी राड़ा हो चुका था। तो क्या इसमें ना कुछ ही 2-4 लोगों की वजह से ट्रूप सारा ट्रूप्स बदनाम होता है, बाकी सारे ट्रूप्स अच्छे है, वो के को सपोर्ट भी करती है और उनको हाइप भी करती है। मतलब होते हर फैंडम में कुछ ना कुछ ऐसे गधे लोग होते हैं जिनको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन इस बार थोड़ा सा, और उन्होंने ट्वीट भी ऐसे किया कि किसी को बताना चाहिए, लेकिन हमारे वाले होशियार है कि उन्होंने जो तेलुगु में जो ट्वीट किया था उसे ट्रांसलेट करके पढ़ लिया कि भी क्या क्या पका इस बंदी ने। तो वो फेक तो है नहीं, क्योंकि उसके 2-3 हज़ार ऑलरेडी फॉलोअर है। तो ऐसे ट्वीट करना मतलब एक हद होती है, ठीक है। आप किसी को पसंद नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन वो आपकी चॉइस भी है, लेकिन आप उसके बारे में गलत सलत बोलो ये बिल्कुल भी, मतलब क्यों, मतलब फ्रस्ट्रेट सन जो है आपकी वो यहीं पे निकालोगे आप। तो ठीक है, ऐसे लोगों को इग्नोर करो। मैं ऐसे ट्वीट पे ध्यान नहीं देता, लेकिन जब अफेक्ट होता है, हमारा खुद फार्म है, अफेक्ट हो जाता है, फिर उनकी बजाने में लग जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई पत्थर पे कितना भी पानी डालो वो वैसा ही रहता है, तो इसका भी वैसा ही है, तो उसे छोड़ दो। हम बात करते हैं कि भाई कल जो केके का इवेंट था, वो एक बड़े बिजनेसमैन है, रोहित बोड़ा एंड मैत्री बोड़ा, जी हाँ, वहाँ पे एक इवेंट था, वहाँ पे हमारे करण कुंद्रा जो है आई थिंक बेबी शावर का था, अभी से ट्रेनिंग ले रहे भाई साहब। हाँ तो हाँ, वो इवेंट था, उसमें थे वो पारस, उनका नाम क्या है, वो अनुपम आता है, हाँ सॉरी, हाँ पारस कलना, उनके साथ गए थे उस इवेंट में, शायद होस्टिंग कर रहे थे, ऑब्वियसली माइक था उनके पास, उनके साथ कोई मेंबर थे, उनका नाम नहीं पता मुझे, ठीक है। तो एक बड़ा सा इवेंट था, क्योंकि वो जो ये रोहित बोड़ा है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, दोनों ही, शायद किसी के सीईओ या फाउंडर भी है। अब बात करते हैं कि भाई एक पोस्ट थी, स्टेबिन जो है डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने एक पोस्ट करी थी कि भाई मानसून सॉन्ग कमिंग, तो भाई हमारे वाले हैं जो उनकी पोस्ट शेयर करके, लेकिन मतलब एज्यूम किया था कि भाई तेज जन का ही सॉन्ग आने वाला है जो मानसून का है, तो भाई वो पोस्ट ना स्टेबिन ने लाइक की थी। अब इससे ये साइन मिलता है कि भाई जो मानसून वाला सॉन्ग है वो तेज जन का ही है, क्योंकि भैया तेज जन ही ऑलवेज एक्साइटेड है मानसून के लिए, मतलब जो सॉन्ग आने वाला है, वैसे अभी सीजन भी वही चल रहा है। हाँ तो हम होप करते हैं कि भाई ये जो मानसून का सॉन्ग है तेजन का, वो जल्दी आ जाए। अब बात कर रहे हैं कि भाई अब जो ये कहने वाला हूँ उस पर मुझे ब्लेम मत करना, बिकॉज डोंट कोट मी ऑन दिस, क्योंकि ये चलती फलती न्यूज़ आ रही है कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में किसी की तो वेडिंग है, शायद वहाँ पे करण कुंद्रा या तेजस्वी प्रकाश जाने वाले हैं, वो 21-22 को जाने वाला है, लेकिन ये मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि मंडे को शायद DDJ का शूट भी हो सकता है, तो कैसे जाएंगे आई डोंट नो, लेकिन ये उड़ती फिरती खबर आ रही है भाई। हाँ तो अब जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो हमें तभी पता चलेगा कि वेडिंग में जा रहे या नहीं जा रहे। अब बात करते हैं कि भाई केके क्विट ट्विटर, सॉरी हाँ केके क्विट ट्विटर, फंबल हो गया थोड़ा सा, ओके। हाँ तो कल स्टोरी ही भी डाली थी उसने पारस कलनावत के साथ कि भाई अब से मैं ट्विटर पे नहीं आऊँगा एनी मोर बोला था, लेकिन हम जानते हैं कि भाई केके जो है ट्विटर के इतने सालों से हम जानते हैं कि वो उनसे दूर नहीं रह सकते, नेगेटिविटी चाहे जितनी भी हो अपने फैंस के लिए तो वो आते ही है, वो आते सुमड़ी में लाइक करके निकल जाते हैं, ठीक है।
शायद नेगेटिविटी से दूर ही रहे तो अच्छा है। अगर मैं बोलूँ तो यार केके को दूर ही रहना चाहिए, सच्ची बताऊँ। वो अपनी लाइफ में खुश है, तेजू के साथ खुश है, वहीं पे फोकस करे तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं अमाल मलिक की। जी हाँ, तो फरीदुन शार है, उन्होंने जो इंटरव्यू लिया था, उन्होंने अमाल मलिक से तेजन के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट साथ में करे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। तो उन्होंने कहा था कि वी ही लव टू डू इट, मतलब उन्हें यार अमाल मलिक की आवाज़ है बहुत ही, उनका जो है ना एक ऑरा होता है ना कि एक लविंग सॉन्ग जो बनाते हैं ना, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी। तो आई होप हमें फ्यूचर में इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिले। अभी जो मैं न्यूज़ देने वाला हूँ इस पर, किसी ने बहुत कहते हैं ना कि भाई ये डेट सेव करके रख लेना, ऐसी चीज़ बोली है। मतलब जो मैं न्यूज़ दे रही हूँ, मतलब जिसने भी ये न्यूज़ दी थी कि भाई 25 सितंबर सेव करके रख लेना, क्योंकि वहाँ पे कुछ उस टाइम पे कुछ होने वाला है। अब होगा कि नहीं होगा, बंदे इतनी श्योरिटी से बोला है तो देखते भाई। 25 सितंबर मेरी बर्थडे के बाद, आई होप सो। चलो 25 सितंबर को होना ये है कि एक करण के नए घर में एक स्मॉल फंक्शन होगा और रिंग सेरेमनी भी होगी, ऐसा बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रही है, ठीक है, और श्योरिटी के साथ बोल रही है कि भाई ये डेट सेव करके रख लेना। तो हमारे वाले बोलते हैं कि भाई ये डेट पे तुम गायब मत हो जाना, क्योंकि बहुत सारे गफ्फे पड़ने वाले हैं अगर नहीं हुआ ना तो। क्योंकि यार बड़ी बात है ना रिंग सेरेमनी, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यार दोनों अभी अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट में इतने बिजी है। हाँ, घर शिफ्ट कर लेंगे, ये तो हो सकता है घर शिफ्ट कर देगा के, क्योंकि ओमी ने भी बोला था कि हम कुछ महीनों में घर शिफ्ट कर देंगे। और ये भी बोला है कि दोनों की फैमिली जो है, मतलब जो बाहर से है, इवन के तेजू का ब्रदर है और केके की फैमिली जो बाहर यूएस में रहती है, वो भी आने वाली है। तो छोटू सा फैमिली फंक्शन होगा। देखो यार, ये घर शिफ्ट है, ये हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन ये रिंग सेरेमनी वाली बात ना मेरे को हज़म नहीं हो रही है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं ना कि कट न जाए हमारा, क्योंकि हमारा कटवाने में नंबर वन है इन सब चीज़ों में। रिंग सेरेमनी होगी कि नहीं, होप फॉर द बेस्ट। अगर हो जाए तो भाई ट्विटर पे तो भौचाल आ जाएगा, ट्विटर पे का सारे सोशल मीडिया पे भौचाल आ जाएगा। तो हाँ, बस इतनी सी न्यूज़ थी। जितने भी लोग मेरे को DM में क्वेश्चन कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे YouTube के, भाई इतना सब कुछ चल रहा है। अब जिसमें से जो 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 होगा वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो या स्टे ट्यून्ड विद दिस सिलेबस, डू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो इन इंस्टा, और राड़े से दूर रहो। देखो ये राड़े से ऑलवेज दूर रहना, पॉजिटिव पे ध्यान दो, केके और तेजू के प्रोजेक्ट को हाइप करो, बस इतना ही कहूँगा। ये जो एक दो गधे हैं उनको इग्नोर करो, क्योंकि वो अटेंशन लेने आ जाते हैं। सो या स्टे ट्यून्ड विद दिस सिलेबस, थैंक यू।